इसका लिंक भी भेज दूंगा आपको। तो मैं बता रहा था कि हमें कोई इंटीरियर, जैसे हमारा खुद का ही इंटीरियर रूम, अगर हमारे पास कोई इमेजेस है तो वो ले सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं उदाहरण के तौर पर रूम इंटीरियर के जो है इमेजेस ले देता हूं। रूम इंटीरियर सेलेक्ट इमेजेस, जैसे इसमें ये प्लेसमेंट इसमें ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ एम्प्टी रूम कर देता हूँ, खाली रूम चाहिए मुझे तो, सिर्फ और सिर्फ रूम चाहिए, उसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास ये इमेजेस मिल जाएंगी। लार्ज क्वालिटी की इमेज अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्रोम में ही टूल्स ऑप्शन की हेल्प से यहाँ से साइजिंग का, जैसे एनी साइज क्या हुआ है, तो छोटी साइज भी आ सकती है, बड़ी साइज भी आ सकती है, तो इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, तो लार्ज वाली स्टार्टिंग में दिखाएगा, उससे जैसे जैसे छोटी होती जाएगी इमेजेस नीचे की तरफ शिफ्ट रहेंगे। तो जैसे ये एक इमेज है एम्प्टी रूम का इंटीरियर, यहाँ मुझे उस कैबिनेट को इस कॉर्नर पे मुझे फिट करना है, या ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे फिट करना है। इसकी पिक्सल की जो साइज है वो भी दिखा रहा है 2048 पिक्सल्स बाय 1536 पिक्सल बता रहा है, इट मींस इट्स गुड क्वालिटी इमेज है, अच्छी क्वालिटी की इमेज है, इसमें 8x12 का प्रिंट निकल सकता है, 8x12 इंचेस का प्रिंट आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और सेव इमेज एज भी कर सकते हैं, ये इस नाम से पीएनजी फॉर्मेट में सेव होगा, जो भी लोकेशन आप दे रहे हो उस लोकेशन पर। तो ये डाउनलोड हो गया, इसी में मैं क्या करता हूँ कि जो है जनरली ये हैंडीक्राफ्ट की डिजाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा फीचर है, काम आता है कि जितने भी यहाँ पे जैसे हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रीज है तो उनका जो कैटलॉग बनाते हैं तो उनके पास प्रोडक्ट बने हुए होते हैं लेकिन रूम के इंटीरियर नहीं होते हैं, क्लाइंट को दिखाना होता है, तो वो क्या करते हैं फिर वो ये चीज करवाते हैं ऑपरेटर से, कभी हमें एक रूम का इंटीरियर लो उसमें हमारे ये प्रोडक्ट लगा करके एडजस्ट करके उनको दिखाओ, ताकि हमको क्लाइंट को प्रेजेंट कर सके भी आपके रूम में कैसे दिखेगा, वो विजुअलाइजेशन हम ऐसे तैयार कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो हमने ये इमेज इंपोर्ट कर लिया है, सेव कर लिया है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे ओपन करेंगे, जो भी डिजायर्ड आउटपुट साइज आपको चाहिए वो आउटपुट साइज ले लीजिए इमेज साइज के द्वारा, कंट्रोल ऑल्ट आई, हमें जो भी आउटपुट साइज चाहिए वो कंट्रोल ऑल्ट आई से हम देख लेते हैं कि 300 dpi जो हमारा फाइनल रिजोल्यूशन है उसमें ये साइज क्या आ रहा है, लगभग 7 x 5 का आ रहा है, 7x5 का एक इमेज बन जाएगा, इतना सफिशियंट है। तो इसको हमने ओके कर दिया कि ये हमारा इमेज है, इस इमेज में मुझे वो कटआउट लेना है, तो मैं यहाँ से इसका सिलेक्शन करके ये क्रॉपिंग टूल काम आता है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है जैसे ऊपर लिखा हुआ है कैटलॉग मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर सकता हूँ, सेलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है कैबिनेट का, फेस इसका कहाँ है, इस तरफ है, जैसा हमने रूम लिया वैसा ही फेस आ रहा है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इसका डायरेक्शन कुछ और होता तो फिर हमें इंटीरियर को भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता, या तो यही या इसको फ्लिप कर देते या फिर इसकी जगह कोई और इमेज जो इसको मैच करती हूँ वैसा लेते। तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपना टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि इसके द्वारा जैसे ही मैं जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसके चारों तरफ बना लीजिए, खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा, सिर्फ आपको इसका रेक्टेंगल बनाना है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, तो जो हार्ड एजेस हैं उनको ये डिटेक्ट करके सिलेक्शन बना देगा। अगर इसकी जगह पीला बैकग्राउंड होता या कोई ब्लू होता तब भी ये इसी तरीके से काम करता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई ग्रीनरी होती तब ये अच्छे से काम नहीं करता, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा पॉलीगॉन लासर टूल से ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसी इमेजेस के लिए है। तो सिलेक्शन बन गया, सिलेक्शन बनने के बाद में मैंने आपको क्या बताया, सिलेक्शन को और अच्छा दिखाने के लिए फ्यूजीनेस करने के लिए क्या करेंगे, फैदर यूज करेंगे। तो फैदर के लिए हम क्या करते हैं, पहले कंट्रोल और जीरो करके देखते हैं। हाँ जी हाँ, तो भेजो, मैंने लिंक भेज दिया आपको, तो अब देखिए जूम करके देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट जीरो करके, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ने क्या करा है कि सिलेक्शन ऑब्जेक्ट ने क्या करा, ऊपर से हल्की सी जो झाई जा रही है इसकी, जो शेडो पड़ रही थी व्हाइट कलर की, वो इसने छोड़ दिया है। अगर आपको इसको रखना है तो इसको सिलेक्शन को इंक्रीज कीजिए, इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, पॉलीगोनल लासो टूल यूज करेंगे शिफ्ट की के साथ, और कहां से इंक्रीज करना शुरू करेंगे, जहां से इसने क्या किया है कि छोड़ते हुए चला है
यहां से स्ट्रेट कोना बनाते हुए इसको भी हम अपनी इस सिलेक्शन की रेंज में लेंगे आगे। आप तो ऐसा छोटा मोटा सुधार करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट ले लिया तो आपका काम फिनिश हो गया। इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए आप पहले इसको चेक कीजिए कहीं पे इसने ऐसा छोड़ तो नहीं दिया है जैसा ऊपर इसने ये एज छोड़ दिया था। तो सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में कंटिन्यू करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। शिफ्ट F6 से हम फैदर देंगे, शिफ्ट F6, रिजोल्यूशन 300 था तो हम यहाँ पे 3 दे सकते हैं। मैं थोड़ा कम देता हूँ, 2 ही देता हूँ, एकदम शार्पली करना है मेरे को इसे। तो हो गया, ये हमने किया फैदर, कॉपी किया, कंट्रोल C यहां लाएंगे, कंट्रोल V करेंगे। साइज बड़ी है इस इमेज की और जो हमने ली है उससे थोड़ी बड़ी है, तो यहां पर कुछ इस तरह से दिखाएगा ये। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि साइड में क्या आ रहा है, ये व्हाइटनेस आ रही है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। तो ऐसे में अगर हमें इनको हटाना है तो लेयर मेन्यू में लिखते जाइए आप, लेयर मेन्यू में कमांड है मैटिंग, मैटिंग के अंदर दे रखा है डीप फ्रिंज, फिर दे रखा है रिमूव व्हाइट मैट एंड रिमूव ब्लैक मैट। तो अगर डीप फ्रिंज से अगर काम हो जाता तो ठीक है, बाकी को यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं होता तो फिर हमें रिमूव व्हाइटनेस मैक्सिमम हो तो हटाने के लिए, ब्लैकनेस हटानी हो तो उसके लिए ब्लैक को रिमूव करेंगे। तो मैं करता हूँ डीप फ्रिंज, इसको फ्रिंज कर दे कितना परसेंट, जितना ले सकते हो, जैसे 50 पिक्सल या 50 पिक्सल मर्ज कर दे। व्हाइटनेस काफी हद तक चली गई, देखिए आप, ये इसका डीप फ्रिंज का रोल है। लेयर मेन्यू में जाएंगे, अभी भी अगर लगता है कि थोड़ा बहुत यहां से छूट रहा है तो इसका मतलब वो सिलेक्शन थोड़ा बाहर था, वो सिलेक्शन थोड़ा बाहर था। तो क्या करेंगे, पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और जहां से जहां तक ये थोड़ा सा दिखा रहा है उतना एरिया हल्का सा इसको ऐसे सेलेक्ट करके बिना फैदर दिए डिलीट कर देंगे। ये हो गया, नहीं हुआ डिलीट, हो गया। तो ये होती है इसकी सिलेक्शन को सुधारने की, ऑब्जेक्ट से लेना एक सफिशिएंटली होता, उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं अब जो भी इसकी रूम की जो इंटीरियर की जो है उस पोजीशन, वहां पे उस पोजीशन पे ले जाऊंगा रिसाइज करते हुए। मैं अभी सिंपली रिसाइज कर रहा हूँ, कोई पर्सपेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ। अब बात आती है थोड़ा सा ये टिल्टेड है, इसके दीवार के बिल्कुल अलोंग करना है, तो कंट्रोल की के साथ में ये वाला जिम मिड है इससे हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे लेना है कि भाई यहाँ से कंट्रोल की, इन कंट्रोल की से पर्सपेक्टिव कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल उठा सकते हो आप, सिलेक्शन टूल है ना, पॉलीगोनल लासो टूल से आप उसको उठा सकते हो। कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव कंट्रोल की यूज करके सारे कॉर्नर्स को इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हो। देखिए मैं अगर कंट्रोल यूज नहीं करूंगा तो सब ये साथ साथ चलेंगे, प्रोपोर्शनेट चलेंगे, और विद कंट्रोल हम इसको अपने हिसाब से टिल्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसका एक प्लेसमेंट दिया, थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ, इसकी भी इसी डायरेक्शन में एंटर कर देंगे, ये ओके कर देगा। तो इस तरह से हम रूम के इंटीरियर में लगा के देख सकते हैं। अब जैसे यहां पे मुझे बेड दिखाना है तो इसी वे में हमारे पास इमेज होनी चाहिए, ओपन करके देख लेते हैं, मिल गया, सेम वे है, थोड़ा सा फर्क है, फिर भी हम इसको थोड़ा ये कंट्रोल टी करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये ले लेता हूं। अब जो ऑब्जेक्ट के अलावा नेक्स्ट जो टूल है अपना वो है क्विक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट में तो क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये सिर्फ फोटोशॉप 2020 CC में ही मिलेगा, पुराने वर्जन जो यूज कर रहे होंगे या तो नया ले लो नहीं तो उसके अंदर ये चीज नहीं मिलेगी, ये टूल नहीं मिलेगा। बट 2014 के बाद वाले जो वर्जन है उसमें तो ये क्विक सिलेक्शन मिल जाएगा। मैजिक वैंड तो खैर सभी में है ही, पुराने में भी है। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि जहां जहां आप इस टिप को बेस पर ले जाते हो ये खुद ब खुद हार्ड एजेस को डिटेक्ट करते हुए सॉफ्ट एजेस को छोड़ देगा। सॉफ्ट मतलब व्हाइटनेस को छोड़ते हुए, मैंने यहां पे भी चला लिया तो इसको भी ले लिया, देखो दोबारा करते हैं। जितना बड़ा ब्रश होगा उतना ही इसकी टॉलरेंस ज्यादा होगी सिलेक्शन की, और जितना टिप छोटा होगा उतनी ही इसकी टॉलरेंस
सिलेक्शन करने की कम होगी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने कम लिया, कंट्रोल ऑल जीरो किया, जब मैं इसकी सिलेक्शन के एजेस को देखता हूं ये कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके हटा देता हूं, इसका मैं टिप बढ़ा देता हूं तो टॉलरेंस बढ़ गया। इट मींस अब मैं जो ये व्हाइट एरिया पे इसको ड्रैग कर रहा हूं, ये ऑटो सिलेक्शन कर रहा है हार्ड एजेस को, थोड़ा नजदीक आया उससे। जैसे जैसे टिप बढ़ाते रहेंगे ये जो एज है, ये वाले जो एज है, ये वाले ये और अंदर की तरफ आते रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि जो हार्ड एजेस है उसको भी थोड़ा सा कवर अप कर ले, जैसे मैं और बड़ा करता हूँ। अब मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, इस सिंगल क्लिक करने के बाद कंट्रोल और जीरो करके देखता हूँ, ये देखिए इसकी जो व्हाइटनेस है थोड़ी सी और छोड़ दी इसने और अंदर और आ गया, देखिए ठीक है। कहीं पे बारीक ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको ये छोड़ देगा ये। तो ये बार बार आप चेक करते रहिए कि किस लेवल में कितना सिलेक्शन अंदर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, वो हम यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल और जीरो करके हमें एग्जैक्ट इसकी पोजिशन दिखा देगा। अब जैसे मुझे ये बीच वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो कोई कंट्रोल मत दबाइए, कुछ नहीं दबाइए, सिर्फ और सिर्फ इसका टिप स्क्वायर ब्रैकेट जो कमांड है ये पी के पास में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनकी हेल्प से कोई कंट्रोल यूज मत कीजिएगा, विदाउट कंट्रोल और शिफ्ट आप इसको छोटा करते जाइए, इसी से ये टिप छोटी कर दीजिए, क्योंकि हमें वहां पे पतली सी लाइन जो है सिलेक्शन की वो सेलेक्ट करनी है। मैं ये ले लूंगा तो क्या करेगा, इसके टिप के चारों तरफ जो इमेज आ रही है इसको भी सेलेक्ट कर लेगा, ये नहीं करना है। ऐसी जगहों के लिए हम क्या करेंगे, इस टिप को छोटा करेंगे ताकि इसकी रेंज में, देखिए थोड़ा जब कर रहा होगा तभी ज्यादा बताएगा, लेकिन जैसे रिलीज करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस सिलेक्टेड एरिया को बाउंड्री बना देगा। कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता हूं मैं, या यहां लगा देता हूं, देखिए ये हो गया सिलेक्शन एंड तक, यहां पे ये व्हाइटनेस छोड़ दी। ऐसी व्हाइटनेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्ट की, सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन बना रहे हैं हम तो ऑल्ट की पॉलीगोनल आसो के टाल से सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि सिलेक्शन बना हुआ एक दूसरा सिलेक्शन और बन गया था, वापस उल्टा हो गया ये, इसको हम शिफ्ट के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। ओके ये देखिए हो गया, अब कहां रह गया, यहां रह गया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, W इसका शॉर्टकट है, W टिप बड़ा छोटा अब बरोबर आ रहा है तो यहां तक ले लो इसको, देखो ये पार्ट छूट गया, क्या करेंगे इसको छोटा करेंगे टिप को, शिफ्ट के साथ इसको, सॉरी ऐसे ही कर देता हूँ, इसके अंदर शिफ्ट की जरूरत नहीं है। फिर यहां लिया, ओके ऐसे ड्रैग करता हूं, यहां पे छोड़ दिया इसने, लासो टूल पॉलीगोनल इन दोनों को आपस में मिलाना है, यह सर ये हमारा सिलेक्शन हो गया क्विक सिलेक्शन टूल, इसके साथ साथ में हमने पॉलीगॉन भी यूज किया है। अब मुझे ये देख के बताओ सिलेक्शन की कौन सा एरिया कॉपी होगा, कौन सा एरिया कॉपी होगा, कौन सा सिलेक्ट नहीं हुआ ये बताओ, हाँ क्यों, क्योंकि देखो बाहर की तरफ एक बाउंड्री है, उसके बाद में उसके अंदर एक और बाउंड्री है, इट मींस वो एरिया जो है सिलेक्ट होगा व्हाइट वाला और वही कॉपी होगा, तो क्या करें कि बैड सेलेक्ट हो जाए, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कमांड कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन को उल्टा करने का कमांड है कंट्रोल शिफ्ट आई, अब हमारा बॉर्डर हट जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा सिलेक्शन। अब हमें क्या यूज करनी है, फैदर यूज करनी है, इसका डीपीआई देखेंगे हम, रिजोल्यूशन देखने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल टाइम 300 8 बाई 6 ठीक है, हम इसका 3 फैदर दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, मैं 3 दे देता हूं, हो गया। या सिलेक्शन थोड़ा सा आउटर बनाया, हल्का सा पार्ट बाहर लेके बनाया है, मैंने अंडू कर दिया, इसको मैं 2 ही लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, काफी बड़ी इमेज है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहां लगाना है, यहां लगाना है, जहां लगाना है वहां रखिए, फिर कंट्रोल की से ऐसे इसका डायरेक्शन जैसा ये दिख रहा है, जिसकी नीचे जो पट्टियां दिख रही है इसके अकॉर्डिंगली ऐसे बढ़ा दीजिए,
रूम भी काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये इस तरीके से आप कंट्रोल को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और ऐसा इमेज प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक हम जो विजुअलाइजेशन दिखाना चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। काफी बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्या करेगा, ये ऐसे स्ट्रेच भी कर देगा। विदाउट शिफ्ट और कंट्रोल ये प्रोपोर्शनल चलेगा, देखिए। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल के साथ कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग गड़बड़ हो जाएगी। मतलब काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको फिर फाइनल करना होगा। ठीक है, तो ये बताने का रोल ये है इनका कि हम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड अगर होगा तो। अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन लासो टूल यूज करेंगे। अब है मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल, हालांकि इसका भी काम सेम ही है कि जो सॉफ्ट सरफेस है या लाइट सरफेस है या बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड है तो उसको ये ऑटोमेटिक क्लिक करने पर सेलेक्ट करने का काम करता है। ये इसको लेते हैं, ओपन करते हैं। नेक्स्ट है मैजिक वैंड, इसका भी शॉर्टकट है W। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बार में इसका टॉलरेंस दिखा रहा है 32। तो इस कलर का 32% जो भी कंटिन्यूस कलर आ रहा है सेम जहां पे क्लिक किया वैसा, उसको ये खुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया था, यहाँ पे जो परसेंटेज है सब जगह सेम ही है, सिलेक्शन कर लिया। ओके, हम इसको जूम करके देखते हैं कितना परफेक्टली किया इसने, छोड़ दिया इसने लाइन है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बार बना हुआ है, सेलेक्ट मेन्यू, थोड़ा बढ़ाएंगे, एक्सपैंड। कितना, 1 पिक्सल बढ़ाता हूं, 2 करना चाहिए था क्योंकि इमेज काफी बड़ी है। तो मैं यहां से 1 पिक्सल और बढ़ा देता हूं। आ गया पास में सिलेक्शन, स्पेस बार से ही दबा। और भी अगर अंदर लेना हो, थोड़ा एज हार्ड करके लेना हो, तो आप और थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दीजिए 1.1 पॉइंट। टोटल मैंने 3 पिक्सल का इसको एक्सपेंडिंग कर दिया, तो सिलेक्शन जो बाहर की तरफ था हल्का सा वो कवर अप हो गया है इमेज पर। ठीक है, अब ये जो अंदर का सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम अब आउटर सेलेक्शन, बाहर बना हुआ है, बाहर से बाहर ही बनाना तो हम शिफ्ट यूज करेंगे, यहां बनाना था तो ऑल्ट यूज करता, मुझे यहां बनाना है तो ये आउटर की तरफ है शिफ्ट यूज, ये भी आउटर है शिफ्ट यूज करेंगे। ये हो गया हमारा सिलेक्शन मैजिक वैंड से। तो जब जो नया जो किया है उसके अंदर क्या आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। तो ये जो मैंने एक्सपेंडिंग जो किया मुझे सबसे लास्ट में करनी चाहिए थी, जो मैंने बीच में कर ली है। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक्सपेंडिंग करनी चाहिए था ताकि ये भी हो। अब क्या होगा, कॉपी करूंगा तो क्या होगा, ये तो आउटर बहुत अच्छा आ जाएगा कॉपी पेस्ट करने पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी व्हाइटनेस आएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फैदर देते हैं, 3 का फैदर देते हैं। कॉपी करेंगे, इमेज पे आएंगे, पेस्ट करेंगे। ओ क्या गलती रह गई, इसको हमने उल्टा नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं किया। कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिए, वैसे ये कमांड सिलेक्शन से रिलेटेड कमांड जो भी हैं सेलेक्ट मेनू में मिल जाएंगे। लेयर को सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट करना, इनवर्स करना, फैदर देना, सिलेक्शन से रिलेटेड जितने भी कमांड है आप जो अभी कर रहे हैं अपन और जो लिख भी रहे हैं वो सारे आपको सेलेक्ट मेनू में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से इनवर्स, हो गया इनवर्स अपना तो सिलेक्शन। अब हम इसको करेंगे कॉपी, तो फैदर अभी भी वही लगा हुआ है। कंट्रोल टैब से मल्टीपल ओपन फाइल्स के अंदर हम स्विचिंग करेंगे। ये देखो आप लग गया, पता ये व्हाइटनेस आ गई क्योंकि हमने ये एक्सपेंडिंग बाद में मतलब पहले कर चुके थे और ये नया सिलेक्शन हमने उसके बाद बनाया। तो पूरा सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही कीजिए, देखिए एक्सपेंड करने पर देखिए ये कितना अच्छा तरीके से कटिंग हुआ है। ये ऑल बिकॉज ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड, अगर व्हाइट बैकग्राउंड की जगह कोई और कलरफुल बैकग्राउंड होता तो हमें पॉलीगॉन लासो टूल यूज करना पड़ता। तो फिर भी हम चाहते हैं कि ये अब ही हम कटिंग नहीं कर सकते, तो क्या करें, एक बार तो उसको जो भी छोटा बड़ा करना कर लीजिए। इसको प्रोपोर्शनेट रिसाइज कर लेता हूं और अपने जो भी साइज चाहिए उस साइज के अंदर मैं यहां ले आता हूं। और अब इसको क्या करेंगे, दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे मैजिक बैंड से ही, दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेगा, ये ट्रांसपेरेंट एरिया को सेलेक्ट करेगा,
और वैसे ही सेलेक्ट करेगा जैसे किया था, ये भी हमने छूट दिया था, तो इसको भी हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंड कमांड पे जाएंगे, मैं इसको 3 पिक्सल का जो दिया था वो एक्सपेंडिंग कर देता हूं और डिलीट, ये डिलीट कर दूंगा, एकदम हार्ड डिलीट हो गया ये, थोड़ा सा सॉफ्टनेस दूंगा इसको मैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड, अंडू एक ही बार होगा इसमें, देखिए अंडू एक ही बार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री मेन्यू में जाएंगे, हिस्ट्री पैलेट ओपन करेंगे, हिस्ट्री पैलेट में हमने जो ये एक्सपेंड किया था यहां तक वापस आएंगे, यहां तक वापस आ जाएंगे। अब हम इसकी फेदर देंगे, ये शिफ्ट एफ सिक्स, 2 का ही देता हूं, चलो 3 दे देते हैं, ओके डिलीट, ज्यादा हो गया क्योंकि हमने अब क्या किया, लेयर को छोटा कर दिया है, छोटा करने पर इसके लिए पिक्सल ज्यादा हो गया है, तो वो भी ध्यान रखना है, हर चीज याद रखनी है, छोटा कर दिया फिर कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं जो अपन रिपीट कर रहे थे पहले कर रहे थे, लेकिन अब फेदर का फर्क आ गया, रिजोल्यूशन का भी फर्क आ गया, तो फेदर हम इसमें वापस चेंज करेंगे, इसके अंदर आता हूं वापस एक्सपेंड लेवल तक आता हूं, शिफ्ट एफ सिक्स, अब इसको मैं एक ही फेदर दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, एक ही दूंगा, एंड देन डिलीट करूंगा, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिलेक्शन मैजिक बैंड का रोल। तो ये जो मैजिक बैंड है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन है, ये तभी काम में लिए जाएंगे जब हमारे पास प्लेन बैकग्राउंड हो, सिंगल कलर हो तभी, या व्हाइट कलर हो तब काम आएंगे। मैं कलरफुल जो बैकग्राउंड के साथ में लेके दिखाता हूँ कि क्या इसका डिस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है, ये तो हमारी इमेजेस पहले से कटिंग की हुई है। क्या हो रहा है भाई, और जैसे इसमें भी हालांकि सिंगल कलर बैकग्राउंड है फिर भी हम ये यूज कर सकते हैं। देखिए मैं ये इमेज लेता हूँ, प्लेन बैकग्राउंड है लेकिन नीचे की तरफ नहीं है, तो ये मैजिक बैंड क्या करेगा, ये तो ले लेगा जितना टॉलरेंस दे रखा है, शिफ्ट के साथ में हम इसको कंटिन्यू भी कर लेंगे, लेकिन देखो शेडो छोड़ दिया, इस शेडो को लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मैजिक बैंड से। तो अब क्या करा, यहाँ पे इसने डॉट्स छोड़ दिए, क्योंकि जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां पर 32% टॉलरेंस के अकॉर्डिंग तो जितना कलर आना है वो सेलेक्ट कर लेगा कंटिन्यूसली, लेकिन बाकी जो एरिया है ये वाला, ये उससे ज्यादा है तो उसको छोड़ देगा ये। तो ऐसो को हम कवर करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट एफ सिक्स से फेदर दे देंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक है, मामूली सा है, इसको हम शिफ्ट एफ सिक्स से फेदर देंगे। दूसरा ये देखिए कि जो हमने मैजिक बैंड से सिलेक्शन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या करा इसने, पॉच पॉच कर दिया, सॉफ्टनेस एरिया यहाँ मिला तो उसको छोड़ दिया, हार्ड एरिया मिलता यहाँ ले लिया, यहाँ सॉफ्टनेस मिला तो उसको छोड़ दिया। तो ऐसे इमेजेस में ये कमांड डिस्ट्रक्टिव है, काम में नहीं ले सकते, हम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा हम वो पॉलीगॉन से बना लेंगे इतना टाइम में, तो ठीक है ना। तो ये इसका जो रोल है वो यही है, लिमिटेड है कि आपके पास अगर प्लेन बैकग्राउंड हो, सरफेस सिंगल हो या व्हाइट हो, तो आप इनको यूज अच्छे से कर सकते हो। ऐसे बैकग्राउंड के लिए देखो, नीचे इसने छोड़ दिया, यहाँ पे इसने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं ये लेता हूँ, मान लीजिए क्विक सिलेक्शन मैजिक बैंड के बजाय, तो अभी क्विक सिलेक्शन का टिप बहुत छोटा है, स्क्वायर ब्रैकेट के से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि अभी क्लिक करेंगे सिंगल इतना ही आएगा, इसको ड्रैग करेंगे तब ये इसके टॉलरेंस इसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेगा, फिर यहाँ लेंगे, यहाँ पे भी इसने भी क्या करा, छोड़ दिया शेडो को। अगर हम शेडो लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ब्रश को आगे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पर भी इसने क्या करा, ये एरिया छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे क्या थी, शेडो के जैसे ही इसने डार्कनेस थी, जिस तरह से शेडो है वैसे ही ये डार्कनेस है यहाँ पर, ये यहाँ पे रेड कलर का मिक्सअप सा हो गया, इसको छोड़ दिया इसने। तो सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट एजेस को छोड़ते हुए हार्ड एजेस को सेलेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये सिलेक्शन टूल्स काम नहीं आएंगे, क्लियर है। तो यह था इसके बारे में, एक मैंने बताया क्रॉप टूल, एक्स्ट्रा एरिया जो भी हमें इमेज का हटाना हो तो हम यहां से ऐसे डबल क्लिक कर देंगे, क्रॉप कर देगा ये, ठीक है। ये है नेक्स्ट इसका क्रॉप टूल, इसका शॉर्टकट है सी, बाकी के भी सी हैं,
शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। अब अपना नेक्स्ट टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी बहुत अच्छा टूल है कि कोई भी पर्सपेक्टिव इमेज को अगर हमें उसी वे में प्रेजेंट करना है तो ये टूल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ अभी कर रहा था, वही उसी तरह का कुछ इसमें रोल है। मैं यहां से पर्सपेक्टिव इमेज का वो लेता हूं, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। सीधा करना हो पर्सपेक्टिव को तो हम इस पर्सपेक्टिव टूल का यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये इमेज है, या हमने जैसे कई बार होता है हम इमेज कैप्चर करते हैं, कैमरा यूं कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो वो बिल्डिंग कैसे आती है, यूं आती है, ऐसे फैली भी आती है, या अगर कैमरा यूं ऐसा कर दिया तो वो बिल्डिंग यूं ऐसे आती है। ऐसी इमेज को सीधा करना हो, वापस हम नहीं ले सकते उन इमेजेस को, तो सीधा करना हो तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव यूज करेंगे। मैं यहाँ से कोई एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी इमेज ले लेता हूँ जिसको हम सीधा करेंगे। जैसे ये बिल्डिंग है, सारे स्केचेस आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने इमेज ही किया हुआ है। टूल्स कलर इसके साइज लार्ज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ी इमेज है, बंगलो ले लेते हैं, सारे सीधे हैं, टिल्टेड कर लेते, तो बहुत ज्यादा टिल्टेड हो गए, तो टेढ़ा ही किया है, इनको तो रोटेट से कर सकते हैं हम, इसके लिए पर्सपेक्टिव टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, पर्सपेक्टिव ही लेना पड़ेगा। ये ले लेते हैं, इसी को एक बार देख लेते हैं। सेव इमेज डेस्कटॉप, ये इमेज ओपन नहीं हो रही है, एक्सटेंशन देखेंगे हम राइट क्लिक करके क्यों नहीं हो रही है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पहली चीज तो इसकी प्रॉपर्टी, एक तो वो अनब्लॉक करेंगे इसको, रीड एंड ऑन रीड ओनली कर रखा है, राइट नहीं कर रखा है। दूसरा ये एक्सटेंशन है डॉट वेब पी, डॉट वेब पी विंडो में यूं तो ओपन हो जाएगी, एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगी, यानी कि एक्सप्लोरर में ओपन करने के लिए है ये। हम चाहते हैं इसको फोटोशॉप में ओपन करना, तो इसके लिए हम इसको पेंट ब्रश में ओपन करेंगे, वहां से इसको हम जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे तब ये खुलेगी। तो ये तरीका होता है ऐसा, अगर कोई आप इमेज अगर डाउनलोड कर लेते हो और वो ओपन नहीं होती है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा इमेज पर, पहले तो अनब्लॉक कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, फिर इसको आप यहां से राइट क्लिक करते हुए सीधा एडिट मोड जो इसका है ओपन विथ पेंट ब्रश कर लो, देन पेंट ब्रश में ये खुल जाएगी क्योंकि ये विंडो का ही एप्लीकेशन है। सेव एज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए पीएनजी या जेपीजी जो आपको चाहिए, जो ओपन हो जाती है फोटोशॉप में, हो गया ये अनदर इमेज आ गई। अब इसका एक्सटेंशन देखिए आप, हो गया जेपीजी, नाउ यू कैन ओपन दिस फाइल, इजीली हो गया ओपन। नेक्स्ट इसका टूल है अपना पर्सपेक्टिव टूल, जैसा कि ये टूल ही बता रहा है, इससे हम जैसी बिल्डिंग है वैसा ही इसको हम टेढ़ा कर देंगे, इसको किसको, इस टूल को, दोनों इमेज है, इसको मैं शिफ्ट के साथ इसका स्ट्रेटनेस सीधा ऊपर ऊपर की तरफ सीधा रखना चाहता हूँ, ये बाहर जितना जाए कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, क्योंकि वो एरिया हम व्हाइट एरिया आएगा उसको हम क्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो ये ले लिया, हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू आ चुका है इसी टूल का, जैसा बिल्डिंग है वैसा। कवर अप कर लो इसको ऐसा, अगर थोड़ा ऊपर लेना है तो ये ऊपर ऐसे भी ले सकते हो, डबल क्लिक कर लीजिए, ये हो गई इमेज सीधी आपकी। अब बाकी का जो पार्ट आ रहा है उसको आप क्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि व्हाइटनेस आएगी, क्योंकि वहां कोई इमेज है ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉप करके पर्सपेक्टिव के टूल की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। F7 लेयर पैलेट पे जाएंगे, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव को सीधा करने के साथ साथ में क्या हो गया, ऐसे स्ट्रेच हो गई वर्टिकली, तो लेयर में कन्वर्ट कीजिए, कंट्रोल टी कीजिए और इसको थोड़ा सा, सॉरी, शिफ्ट के साथ
जैसा इसका जो मूल जो साइज था वैसे उसके हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया पर्सपेक्टिव इमेज को स्ट्रेट करने का तरीका। अब लास्ट जो मैंने टूल बताया था वो क्या था, स्टैंपिंग टूल बताया था, हीलिंग बताया था। यहां पर हम स्टैंपिंग टूल काम में लेंगे, एस प्रेस करेंगे, क्लोन करेगा ये। इस लेयर में ये चीजें मुझे कंटिन्यू करनी है, थोड़ा सा सफाई से करना, मेरा तो अभी रफली हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ क्या रूल है इसका। कॉपी पेस्टिंग करना है ये पार्ट। तो एक काम करते हैं, हम इसको इतना टाइम वेस्ट ना करते हैं, ये जो पार्ट है यहां से इतना इतना नीचे तक सेम है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे जहां तक भी है, जैसे यहां तक है इसका, ये यहां तक है, तो इतना एरिया ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से जितना लेना है सेलेक्ट करेंगे, फैदर देंगे, एक का ही फैदर देते, ज्यादा नहीं देते, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वैसे नहीं भी देते तो चलता क्योंकि एज इट इज हमें हार्ड एज के साथ ही पेस्ट करना है। इसको हम ऐसे कंटिन्यू करा लेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं तो टेढ़ा ही हो जाता है इस तरह से, एरो कीज को यूज करते हुए, अगेन ऑल्ट के साथ में डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो या राइट एरो करते ही जो सेलेक्टेड लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। एक बार करोगे तो एक बार, दो बार करोगे तो दो बार। ये मैंने ऑल्ट के साथ ड्रैग किया, ये डुप्लीकेट हो गई लेयर पैलेट में, देखिए एक लेयर और बढ़ गई है। अब इसको ओनली एरो की से नीचे ले आइए, हो गया। बस ये तरीका है इमेजेस को सुधारने का, बाकी एरिया कट कर दीजिए, क्रॉप कर दीजिए। ये है पर्सपेक्टिव टूल का रोल। पर्सपेक्टिव के साथ साथ में हमने लेयर डुप्लीकेट करना, सीधा करना, शिफ्ट के साथ यूज करते हुए एक साइड से उसको दबाया है स्ट्रेचिंग को, तब जाकर के ये सीधी हुई है। तो ऐसा अगर कोई इमेज आपने ले लिया और आप दोबारा उस जगह पे नहीं जा सकते, उसको सीधा करना है, तो वहां पर आप ऐसा पर्सपेक्टिव टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे स्लाइस टूल का क्या रोल है, फ्रेम का क्या रोल है। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। कल संडे है, मतलब कल प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अपने घर पे। परसों मंडे को 10 o'clock. ठीक है।